हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं सिद्धार्थ पाठक आपका मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम शिवालिका एकेडमी। आज हम 11th क्लास का सेट्स चैप्टर का आगे कंटिन्यूएशन लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, अलग अलग तरीके के सेट्स। तो सबसे पहला हमारा जो सेट है दैट इज एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, तीनों एक ही चीज के नाम है। नाम जो पता चल रहा है, एम्प्टी सेट वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं। तो मैंने एक ए सेट बनाया और करली ब्रैकेट डालने के बाद अंदर उसके कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है, दिस इज एम्प्टी सेट। तो इसको डिनोट करने का एक और तरीका होता है, वो क्या तरीका है, ऐसे डालने की जगह सीधा ये सिंबल लिख दीजिए। इस सिंबल को बोलते हैं phi, phi, phi। तो ये दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग एन एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट हो क्या सकता है, आपके सामने एग्जाम्पल है, देखिए। पहला इस एग्जाम्पल को समझिए, x such that x is odd natural number divisible by 2। बेटा दुनिया का कोई ऑड नंबर है ऐसा जो दो से डिवाइड होता है, कोई भी नहीं है। क्यों, ऑड नंबर तो वही होता है जो दो से डिवाइड नहीं होते। तो वो कह रहे हैं एक्स वो ऑड नंबर है जो दो से डिवाइड होता है, तो मतलब एक्स ऐसा कोई है ही नहीं। तो ये कौन सा सेट हुआ, नल सेट। और कैसे लिख सकते हैं आप इसे, फाई करके लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। इसका क्या मतलब है बेटा, इवन प्राइम नंबर और दो से बड़ा है। पहली बात तो प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन होता है, 2, सही है। और दो कौन है, अपने आप ही इवन नंबर है। दो के बाद कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं होता जो दो से डिवाइड होता हो। तो x सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा तो कोई प्राइम नंबर दो से डिवाइड होने वाला है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कौन सा सेट हो गया, नल सेट। तो बड़ा ये नल सेट हमने एक छोटा सा सेट पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, उनको देखेंगे। ऐसे करते करते सारी टाइप्स पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो बड़ा नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट सेट, फाइनाइट, और अगला है इनफाइनाइट सेट। नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, पहले इनफाइनाइट समझिए उसके लिए तो बहुत अच्छा समझ आएगा। इनफाइनाइट सेट मतलब वो सेट जिसमें इनफाइनाइट वैल्यूज हो, 1, 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो ये कौन हो गए बेटा, सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगला देखिए 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ये कौन हुए, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि 1, 3, 5, 7 सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। जा कहां तक रहे हैं, इंफिनिटी तक। व्हाट इज दिस, बड़े ये माइनस की इंफिनिटी से पहले आया, -2, -1, 0, 1, 2, फिर कहां तक जाएगा, प्लस की इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसमें आपने क्या देखा, ये दोनों तरफ इनफाइनाइट सेट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इनफाइनाइट सेट आर इनफाइनाइट, तो बिल्कुल इसको ऑपोजिट करूंगा, फाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, गिनती के होंगे, लिमिटेड होंगे। तो अब देखिए जैसे इसमें ए सेट है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 एलिमेंट है। अच्छा एक नई चीज सीखिए, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखने का तरीका क्या होता है, एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू 10, क्योंकि ये कहां तक है, 10 तक। कभी डॉट 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 से कंफ्यूज मत होना, अगर डॉट 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 छोड़ दिया गया तो इनफाइनाइट सेट है, अगर डॉट डॉट के बाद कहीं पे एक लिमिट दे दी तो फाइनाइट हो जाएंगे, वो गिनती में आ जाएंगे आपके, तो दैट विल बी फाइनाइट सेट। फोर्थ वन इज इक्वल सेट्स। बेटा इक्वल सेट्स में दो बातें सीखने को मिलेंगी। पहली बात तो दो सेट ए और बी को इक्वल कब कहा जाता है, जब उसके सारे एलिमेंट सेम हो, सारे सेम हो। देखिए कैसे, अच्छा एक नई बात और सीखेंगे अभी हम। जैसे एक ए सेट लिया, उसमें है ए बी सी, बी सेट में क्या है, बी सी ए। ये बात मैंने पहले लेक्चर में नहीं बताई, अब बता रहा हूं आपको, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ए पहले आ गया या ए बाद में आ गया, बी आगे हो गया, सी पीछे हो गया, कोई लेना देना नहीं। नाउ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, ए बी सी, ए बी सी, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, ए सेट किसके इक्वल है, बी सेट के। तो इससे दो बातें पता चली हमें, पहली बात मैं मिटा के लिख रहा हूं दोबारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। कितने एलिमेंट है इसमें, 1, 2, 3, इसमें भी कितने हैं, 1, 2, 3, और एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम है, पहली बात ये। दूसरी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, बिल्कुल वही एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर A is equal to B set। तो ये equality of set के लिए हम ऐसे पढ़ते हैं इसे। और हमारे NCERT में नहीं दिया हुआ, एक होता था equivalent set। मैं आपको बस थ्योरी में बता रहा हूँ, equivalent set वो होता था
जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते थे, सारे एलिमेंट सेम हो ना हो। एग्जाम्पल देता हूँ, ये हो गया एबीसी, अगर अगला सेट होता है ईडीएफ तो उसमें भी तीन एलिमेंट, उसमें भी तीन एलिमेंट, तो इक्विवेलेंट सेट हो गए, बट एलिमेंट सेम नहीं है। ऊपर क्या था एबीसी और नीचे वाला एलिमेंट क्या बोला डीईएफ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, तीनों अलग अलग हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। अब हमारी एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं होगा, तो इसलिए मैंने अभी नहीं लिया। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो या पुराने वाले मैथमेटिक्स हो, दोनों में सेट चैप्टर कॉमन है, तो आपको ये करना ही है। मैं अभी फिलहाल ज्यादातर वही चैप्टर सुनूंगा जो दोनों में कॉमन है। देखिए बेटा, जितने अभी हमने सेट सीखे हैं कितने टाइप के हैं उसके ऊपर बेस हमारी एक्सरसाइज 1.2 है। तो उसका पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें वो पूछ रहा है कि जो आपको सेट्स दिए गए हैं ये क्या नल सेट है या नहीं। नल सेट याद आया, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। तो बेटा इसका ए पार्ट हम एग्जाम्पल में समझ चुके हैं, अब हम बी से शुरू कर रहे हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या बेटा कोई प्राइम नंबर ऐसा होता है जो इवन होता है? यस, और वो कौन है? टू। तो ये जो भी सेट है इसमें एक एलिमेंट तो आ ही गया, तो ये क्या है? नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। फिर सही देखिए, एक्स अगर एक्स इज अ नेचुरल नंबर, अब बड़ी ये कंडीशन क्या दे दी, एक्स फाइव से छोटा है और सेवन से बड़ा है। एक बार नंबर लाइन बना के देखें, फाइव सिक्स सेवन एट फोर, एक्स 5 से तो छोटा है, x 7 से बड़ा है। यार ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर ऐसा है जो एक ही टाइम पे 5 से छोटा और 7 से बड़ा है? नॉट पॉसिबल। तो ये सेट कौन सा सेट निकला? एम्प्टी सेट। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों बातों को ट्रू करे। अगर मान लो इससे छोटा मैं 4 लेता हूं तो वो इस बात के लिए ट्रू है, लेकिन इस बात के लिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। और इससे बड़ा 8 लेता हूं तो इसके लिए ट्रू, इसके लिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, तो ये क्या हुआ? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट देखिए, y सो दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। बेटा दो पैरेलल लाइंस पे कभी कोई पॉइंट कॉमन हुआ है? अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कॉमन पॉइंट तो समझ आता है, दो पैरेलल लाइंस में कभी कोई पॉइंट कॉमन हो ही नहीं सकता। जब पॉइंट पे कॉमन नहीं होगा तो मतलब ये कौन सा सेट है? दिस इज ऑल्सो एम्प्टी सेट। ये क्वेश्चन काफी इजी लेवल के होते हैं, कभी हम इनको स्किप कर दिया करते थे क्योंकि एग्जाम में पूछता रहता। अब ये सारे एमसीक्यू बन बन के आने लग गए हैं, आप कुछ भी स्किप नहीं करना है, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, एक एक चीज करते हुए आगे जाना है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा। आप एक और चीज, हम 11th का भी मैथ स्टार्ट किया है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मैथ समझ पा रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी शिवालिक अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से भी होती है और वो हमारे एप्पल के जो आईफोन यूजर्स हैं वो ऐप स्टोर से भी कर सकते हैं। अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मोरओवर सारे असाइनमेंट्स, सारे डिस्कशंस, ऑनलाइन टेस्ट और आपके ये जितने क्वेश्चंस हैं, इससे एक्स्ट्रा आरडी शर्मा के, गुप्ता बंसल के, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं हम सब ऐप पे अपलोड कर करके आपको सिखाएंगे। और ये वीडियोज भी आपको कुछ दिन तक दी जा रही है, इसके बाद ये वीडियो भी सारे आप ऐप पे देख पाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आगे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो काइंडली रजिस्टर फॉर आवर ऐप और आप मुझे व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू करा तो सोच से बाहर हुआ, मुझे नहीं पता था दिल्ली के बाहर की स्टेट से भी बच्चों के रजिस्ट्रेशन आने लगे हैं। हमने उन्हें ऐप में ऐड किया है, हम उनके वीडियोस लगातार भेज रहे हैं, हम लगातार उनसे चैट करके, बातचीत करके उनको क्वेश्चन समझा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपने बच्चे दिल्ली के तो पढ़े ही पढ़े, बाहर के भी हमसे पढ़े। थैंक यू वेरी मच टू आउटसाइडर्स, मतलब दिल्ली से बाहर वाले, और अपने तो है ही है। थैंक यू वेरी मच। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बड़े ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो बड़े सेकंड क्वेश्चन है, इसमें वो पूछ रहे हैं ये जितने भी सेट्स हैं इनमें से फाइनाइट कौन है और इनफाइनाइट कौन है। बहुत इजी, देखिए कैसे बेटा। सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, बड़े एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। अगर वो सारे जनवरी कॉमा फरवरी कॉमा मार्च करके 12 के 12 नाम लिख दीजिए तो वो कौन सा सेट हुआ? गिनती के 12 है तो दैट इज फाइनाइट सेट। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो कौन सा सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लेकिन जाके रुक कहां गया? 100 पे, तो मतलब लिमिट आ गई, तो ये फाइनाइट सेट हुआ। नेक्स्ट सोचिए आप, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, लिख के देखते हैं एक बारी। ये अगर मैं एक इसको ए सेट कह देता हूं
तो ग्रेटर देन 100 में कौन होगा बेटा? 101, 102 डॉट 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 कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये कौन सा सेट हुआ? दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो हमारा ये इनफाइनाइट सेट हुआ। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन फाइनाइट इनफाइनाइट के लिए था बेटा। इसमें भी उन्होंने हमसे क्या पूछा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। तो चेक करते हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी उन्होंने, वैसे दिया है। पहचानो बेटा, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप बताइए एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती है? इनफाइनाइट। बना के देखिए, ये एक्स एक्सिस है तो ये लाइन, ये लाइन, ये कहां तक जा सकती है? इन्फिनिट तक। नीचे भी कहां जा सकती है? इन्फिनिट तक। तो कितनी लाइंस पैरेलल हो सकती है एक्स एक्सिस के? दैट इज इनफाइनाइट लाइंस। तो जो सेट बनेगा कौन सा बनेगा? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बेटा इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। तो 26 का सेट बन सकता है, लाइक ए बी सी डॉट 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 जेड तक। तो ये तो गिनती के हैं, तो ये कौन सा सेट हुआ? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग से रहता है। दिस सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। आपको लगेगा पता नहीं कितने होंगे, बेटे जितने भी होंगे बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा होने के बावजूद होंगे वो गिनती की। लाइक मैं कहता हूँ 500 करोड़ एग्जाम्पल लिया, तो है तो काउंटिंग में आ गए ना, इनफाइनाइट तो नहीं बोल सके आप। दिस विल बी फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में ज्यादा एलिमेंट हैं, बहुत ज्यादा एलिमेंट है लेकिन काउंटेबल है, तो वो क्या है? फाइनाइट ही है, कोई इनफाइनाइट नहीं। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजन। ओरिजन से पास होने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं बेटा? ये भी कौन सा सेट आया? दिस इज इनफाइनाइट सेट। चेक करें, ये सर्कल से पास हो रहे हैं तो कितने हैं जो ओरिजन से जा पा रहे हैं? बेटा ऐसे करते करते तो पता नहीं इनफाइनाइट बन सकते हैं। तो ऑल द सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजन कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। बेटा फोर्थ क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, जो मैंने नहीं लिखे वो बहुत इजी आप खुद करेंगे। मैं कर रहा हूं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, इनमें आपने पता लगाना है ए और बी सेट इक्वल है या नहीं है। देखिए बेटा, ए सेट है 2, 4, 6, 8, 10 खत्म बात। जो बी सेट है ना वो है एक्स, दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। बेटा तो पॉजिटिव होना चाहिए मतलब प्लस का, दूसरा इवन नंबर होना चाहिए 2, 4, 6 वाले, और वो 10 से छोटा है, 10 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या होगा ये 2, 4, 6, 8, 10। तो ये इस सेट को मैंने चेंज करके लिखा, तो बेटा ये तो एग्जैक्टली इसके जैसा आ गया। देयरफॉर क्या कहेंगे, ए सेट और बी सेट आपस में क्या है? इक्वल। अब बात आते हैं इसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। बेटा 10 के मल्टीपल कौन होते हैं? 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। अब क्या आपको ये इक्वल लग रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहां 15 है या 25 है जो कि यहां पर नहीं है। तो देयरफॉर ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट। तो ये सिंपल इक्वल सेट्स के लिए क्वेश्चन था। तो बेटा अब ये जो दो क्वेश्चन है, अगेन इसमें चेक करना है ए और बी आपस में इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। तो ये एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए इज 2, 3, बी सेट क्या है? एक्स, सो दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं यहां सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, हमने 10th में बहुत अच्छी तरह सीखा है सब कुछ, फटाफट करते हैं हम इसे। 2x प्लस 3x, इनमें क्या हो गया? x कॉमन आ गया तो x प्लस 2, या 3 कॉमन आया तो क्या रह गया? x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x प्लस 3, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बड़ा x प्लस 3 0 के इक्वल रखिए और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखिए, तो x कितना आ गया? माइनस 3, और x कितना आ गया? माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो दो आंसर्स आए आपके वो कौन से आंसर है? माइनस 2 एंड माइनस 3। तो आर दे इक्वल? नहीं, वो माइनस के हैं, वो प्लस के हैं। देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा के बाद में चेक कराया जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज
एक्स सदर एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। बेटा आपको याद है हम लास्ट क्लास पढ़ के आते हैं कि नंबर मतलब कोई भी अल्फाबेट या कोई भी डिजिट रिपीट हो रही है तो उसको एक बार लिखते हैं। तो देखिए एफ ओ एल, एल एल दो बार याद है, आप सिर्फ एक बार लिखेंगे। फिर क्या है ओ नहीं लिखना क्योंकि आप लिख चुके हैं। लास्ट में क्या बचा डब्ल्यू। ऐसे ही सेट बी कौन होगा, बी सेट होगा डब्ल्यू ओ एल और एफ। बड़े ये तो दोनों सेम निकले, आपको कहोगे नहीं अलग अलग है। अभी तो थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था आगे पीछे लिखने पे कोई फर्क नहीं होता, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है। तो एफ ओ एल डब्ल्यू ये भी क्या हुआ एफ ओ एल डब्ल्यू, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। तो बेटा इसके बाद एक सिक्स्थ क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, बहुत इजी है, उसमें भी सेट्स ए और बी इक्वल पहचानने हैं आपने। अब ये हुई हमारी आज सेकेंड एक्सरसाइज विद टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे सबसेट्स, वो थोड़ा टॉपिक बड़ा है, उसमें अच्छे क्वेश्चंस भी बनेंगे और एक एक्सरसाइज और कवर करेंगे हम। तो आई होप आपको समझ आया, और अगर आप आगे कॉन्टिन्यूटी बहुत दूर तक चाहते हैं हमसे तो प्लीज फटाफट रजिस्टर करिए हमारी ऐप में, ऐप डाउनलोड करिए और मुझे मैसेज करिए, मैं आपको कोड नंबर दूंगा, आप उससे उस ऐप में एंटर हो पाएंगे। और फिर वहां पर इस पढ़ाई के अलावा दुनिया भर की और भी चीजें ऐड होंगी। मैंने जैसे अभी आपको बताया ऑनलाइन टेस्ट होंगे आपके, क्योंकि लॉकडाउन में हम तो मिल नहीं पा रहे आमने सामने, टेस्ट वहीं होंगे। असाइनमेंट्स भेजेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो कि एनसीईआरटी में कवर नहीं होते, उन असाइनमेंट के भी सॉल्यूशन इस तरीके से वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो बहुत कुछ होना है वहां पर, तो आप उसको ऐड करते हैं। जैसे कुछ बच्चे अपने पुराने ही हैं 10th क्लास के, तो उनको पता है हमारी एक ऐप लास्ट डेट में हमने स्टार्ट की थी बट उसको इतना एक्टिवेट नहीं किया था, इस साल वो फुली फंक्शनल है, तो आप उसे प्लीज डाउनलोड कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, मैं सिद्धार्थ पाठक आपका मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम शिवालिक अकेडमी।